अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए CS101 की असाइनमेंट नंबर 3 को लेकर आया हूँ। CS101 की असाइनमेंट नंबर 3 तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से के अंदर हम लोग असाइनमेंट को समझेंगे कि असाइनमेंट के अंदर बेसिकली है क्या और हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। दूसरा पार्ट जो होगा उसके अंदर हम लोग इसको टेस्ट करेंगे कि ये जो हमारी असाइनमेंट है जिसको हमने सॉल्व किया है क्या वो ठीक भी है या नहीं। और थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर हम लोग वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसके अंदर हमने इस असाइनमेंट को सॉल्व किया है। तो असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि मेरी जो ये जो असाइनमेंट है इसको आप पूरे का पूरा देखें ताकि आपको तीनों की तीनों फॉर्मेट की समझ आ जाए कि असाइनमेंट है क्या, असाइनमेंट को टेस्ट किस तरह से करना है और असाइनमेंट के अंदर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो हमें कहाँ से मिलेगा और उसके डाउनलोड और इंस्टॉलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले असाइनमेंट के क्वेश्चन को और फिर हम लोग सोल्यूशन की जानिब चलेंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ बिल कैलकुलेटर एप्लीकेशन फॉर अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। फास्ट फूड रेस्टोरेंट के लिए हमने एक बिल कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनानी है। द रेस्टोरेंट ऑफर्स सम फूड्स दैट कैन बी ऑर्डर्ड बाय द कस्टमर। तो रेस्टोरेंट जो है वो कुछ फूड्स जो हैं उनको ऑफर कर रहा है जो कि कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं। कस्टमर कैन ऑर्डर एनी नंबर ऑफ आइटम, यू शुड डिज़ाइन अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट बिल अकॉर्डिंगली। कस्टमर जो है वो अपनी मर्जी से कितने भी आइटम को है वो ऑर्डर कर सकता है, 1, 2, 3, 4 या 5। आप लोगों ने कैलकुलेटर इस टाइप का बनाना है जो कि उस बिल को अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सके। प्रोग्राम शुड बी 19% GST टू स्टेट ऑर्डर बाय योर कस्टमर। प्रोग्राम के अंदर इस तरह से आप लोगों ने प्रोग्राम बनाना है कि उसके अंदर 19% जो गवर्नमेंट सेल टैक्स हैं वो शामिल होने चाहिए। इफ़ द कस्टमर बिल इज़ ग्रेटर दैन 1000 द रेस्टोरेंट विल गिव 5% डिस्काउंट ऑन कम्प्लीट कैलकुलेटेड बिल। अगर उसका जो बिल है वो 1000 से बढ़ जाता है तो 5% जो है उस कस्टमर को डिस्काउंट भी मिलना चाहिए, ये भी आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। नेक्स्ट ये है कि योर प्रोग्राम मस्ट शो द कंप्लीट ऑर्डर डिटेल अलॉन्ग विद GST कैलकुलेशन। आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर तमाम के तमाम ऑर्डर्स की डिटेल होनी चाहिए और GST जो गवर्नमेंट सेल्स टैक्सेस हैं वो उनकी कैलकुलेशन भी शामिल होनी चाहिए। डिस्काउंट एंड फाइनल अमाउंट, डिस्काउंट भी होना चाहिए और फाइनल अमाउंट जो है वो भी होनी चाहिए। To design code, please follow the stated steps. इस कोड को बनाने के लिए आप लोगों ने ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना है। Your program must show menu item on the program startup. आपके ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। पहला है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा की जो प्राइस है वो 999 है। उसके बाद सेकंड पे है बर्गर, बर्गर की हमारे पास प्राइस है 250। उसके बाद सैंडविच है, सैंडविच की 150 और पराठा रोल जो है उसकी 200 प्राइस है। प्रोग्राम मस्ट आस्क क्वांटिटी फॉर ईच आइटम एंड कैलकुलेट इट्स टोटल बिल। प्रोग्राम इस तरह से बनाना है कि वो पहले पूछे कि आप लोगों को कितनी क्वांटिटी चाहिए, पिज़्ज़ा एक चाहिए, दो चाहिए या आप लोगों को कितने पिज़्ज़े चाहिए, कोई भी चीज़ है उसकी क्वांटिटी पहले पूछे फिर उसके बाद बिल को बनाए। प्रोग्राम विल एड 19% GST टू द बिल एंड कैलकुलेट द टोटल बिल। प्रोग्राम इस तरह से बनाना है कि 90% जो GST है वो इसके अंदर ऐड होना चाहिए और फिर उसके बाद कैलकुलेट करे बिल को। प्रोग्राम विल ऑफर गिव 5% डिस्काउंट इफ़ टोटल बिल इज़ ग्रेटर दैन 10,000 रुपीज़। अगर हमारा जो टोटल बिल है वो 10,000 रुपीज़ से बढ़ जाता है तो वो 5% जो है वो डिस्काउंट भी दे दे। शो द पेमेंट अलॉन्ग ऑल द कैलकुलेशन इन द प्रॉपर फॉर्मेट। जो इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसके अंदर वो इसको चेक करवाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले अपने सोल्यूशन को। तो सोल्यूशन के अंदर जो है सबसे पहले आप लोगों ने डालना है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, सेकेंड हैश इंक्लूड सी टाइम और थर्ड हैश इंक्लूड CSTDLIP। तो ये आप लोगों ने तीन जो हैं वो डाल देने हैं। उसके बाद आप लोग लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस STD, नेम स्पेस STD जो होता है ये आप लोगों ने लाजमी डालना है। उसके बाद जो हम सारे का सारा काम करेंगे वो मेन के अंदर करेंगे। मेन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों ने डिक्लेयर करवाने हैं अपने वेरिएबल्स को। हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, हमारे पास वेरिएबल है पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच और पराठा। इसके बाद जो हैं वो कुछ दूसरे जो हैं वो वेरिएबल हैं जैसे GST, डिस्काउंट टोटल या नेट टोटल हो गया या ऑर्डर अमाउंट हो गया, ये हमारे पास जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। तो इन वेरिएबल्स को हम लोगों ने डिक्लेयर किस तरह करवाना है, सबसे पहले हम लोग इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को देख लेते हैं जो कि पूरे पूरे होते हैं। इंटीजर टाइप के वेरिएबल किस टाइप के होते हैं, मिसाल के तौर पे 50, 10, 20, 1000, मतलब जो पूरे के पूरे आते हैं जिनके अंदर इशारिया या इस तरह की चीज़ें ना आती हों वो हमारे इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं, तो इंटीजर टाइप के हमारे पास जो वेरिएबल में कौन कौन से हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविच है और पराठा है। इनके लिए हम लोगों ने किया है num_pizza कॉमा नाम बर्गर, नाम सैंडविच और नाम पराठा जो हैं ये हम लोगों ने इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल्स हैं इनको हम लोगों ने डिक्लेयर करवा दिया। फिर उसके बाद फ्लोट टाइप के वेरिएबल आ जाते हैं। ये इस टाइप के वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर हम लोग इशारिया या इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसको हम लोग फ्लोट से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है।
फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर इशारिया आया इसके बाद के अंत से आते हैं, इसलिए हमने इसको फ्लोट लिख दिया। फिर उसके बाद आ जाता है डिस्प्लेइंग मेन्यू, हम लोगों ने मेन्यू को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए मैंने सी आउट का इस्तेमाल किया है। सी आउट जो होता है वो प्रिंट करवाता है किसी भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें प्रिंट करवानी थी, हम लोगों ने अपने मेन्यू को डिस्प्ले करवाना था, तो हमने पिज़्ज़ा ले लिया, बर्गर ले लिया, सैंडविच ले लिया और पराठा रोल ले लिया, इनकी जो प्राइसेस थी वो लिखकर हम लोगों ने इसको प्रिंट करवा दिया स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद हम लोगों ने इनपुट लेनी है। इनपुट किस तरह से हम लोग लेंगे, टेकिंग इनपुट क्वान्टिटीज ऑफ द आइटम, इन हम लोग किस तरह से लेंगे, सबसे पहले हम लोग शो करवाएंगे कि किस चीज़ के लिए हम लोग इनपुट ले रहे हैं। तो स्क्रीन के ऊपर हम लोग प्रिंट करवाएंगे इंटर क्वांटिटी सी आउट लिखकर, लेसर देन के दो जो हैं वो साइन डालेंगे, उसके बाद डबल कामा डालकर इंटर क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग कमांड लेंगे कि कितना जो है, कितने नंबर ऑफ पिज़्ज़ा जो हैं वो हमें चाहिए। तो इसके लिए जो हमने जो वेरिएबल था पिज़्ज़ा वाला, जो कि इंट के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल रखा था, उसको उठाकर हम यहाँ पर डाल देंगे और इसको, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर चले जाएंगे। नेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने एंटर करना है, इसी तरह हम लोग फिर एंटर द क्वांटिटी ऑफ बर्गर लिखेंगे, इसको भी हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे और सी एन के जरिए हम लोग पीछे से उसकी क्वांटिटी को फेच कर लेंगे। तो सी आउट जो होता है वो ऐसी वैल्यू होती है जो हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाते हैं, और जब हम किसी चीज़ की इनपुट ले रहे होते हैं जो कि हम लोग स्क्रीन के पीछे जाके काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग सी इन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फिर हम लोग सैंडविच और पराठा के लिए भी यही वाला प्रोसीजर इख्तियार करेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं कैलकुलेशन के लिए, मतलब हम लोगों ने बिल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो बिल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे, ऑर्डर अमाउंट जो है उसको हम लोग लेंगे। ऑर्डर अमाउंट जो है ये हम लोगों ने फ्लोट टाइप का जो था वेरिएबल जो ऊपर जो है उसके अंदर हम लोगों ने ये वेरिएबल दिया था, पहले हम लोग वो वेरिएबल लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, तमाम के तमाम जो हैं जिनके अंदर पिज़्ज़ा आ जाता है, बर्गर आ जाता है, उनकी वैल्यू देखकर हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कैलकुलेट जीएसटी। जीएसटी के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जीएसटी भी जो था वो हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल था, पहले हम लोगों ने वेरिएबल लिख लिया, फिर इज इक्वल टू लिखकर उसकी जो प्राइस थी वो लिख ली, मल्टीप्लाई बाई ऑर्डर अमाउंट कर लिया, ऑर्डर अमाउंट भी हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, उसको भी हम लोगों ने लिख लिया। फिर उसके बाद आ जाता है कैलकुलेटिंग टोटल। कैलकुलेटिंग टोटल के अंदर टोटल लिखा, टोटल लिखने के बाद हम लोगों ने ऑर्डर अमाउंट प्लस जीएसटी को लिखकर, अब ये क्या करेगा कि ऑर्डर अमाउंट और जीएसटी के अंदर से वैल्यूज को फेच करेगा और हमें टोटल जो होगा वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग कैलकुलेट करने लगे हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हम लोगों ने कैलकुलेट करना था कि अगर 1000 से ऊपर अगर वैल्यू चली जाती है हमारी, 1000 के ऊपर रकम चली जाती है तो 5% का वो हमें डिस्काउंट देता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक लूप लगा लिया है इफ का कि अगर हमारी जो टोटल वैल्यू है, टोटल जो अमाउंट है वो 1000 से क्रॉस कर जाती है तो इसके लिए क्या करेगा कि डिस्काउंट दे देगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय टोटल, जो टोटल होगा उसमें 0.05% का वो हमें टोटल देगा। एल्स अगर मतलब हमारी वैल्यू बढ़ जाती है तो, लेकिन अगर नहीं बढ़ती तो फिर उसके बाद डिस्काउंट कितना देगा, ज़ीरो, ठीक है। नीचे हम लोगों ने ज़ीरो दे दिया है, ये हम लोगों ने लूप लगाया किसके लिए, हमें कैलकुलेट करना था डिस्काउंट। फिर हम लोगों ने कैलकुलेटिंग नेट टोटल करना है, तो कैलकुलेटिंग नेट टोटल का तरीकाकार यह है कि नेट टोटल जो हम लोगों ने फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ था इज इक्वल टू टोटल माइनस डिस्काउंट, जो टोटल के अंदर जो हमें वैल्यू आ रही थी उसमें से हम माइनस कर लेंगे डिस्काउंट को, तो हमारे पास आ जाएगा नेट जो टोटल होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोगों ने सारी की सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या तरीका कार्यकार किया कि डिस्प्लेइंग ऑल बिल्स, मतलब जितने बिल्स हैं उसको हम लोग डिस्प्ले करवाने लगे। तो उसका तरीकाकार ये है कि सी आउट लिखेंगे, उसके बाद हम लोगों ने हम लोग जो हैं एन पेमेंट लिखकर इसको जो है इसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग फेच करेंगे। तो फेच किस किस की चीज़ को करेंगे, प्राइस करेंगे, जीएसटी करेंगे, डिस्काउंट करेंगे और टोटल, ये तमाम तमाम वैल्यू का हम लोग लिखने के बाद इसको ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे और इस तरह से हम लोग इसको रन करेंगे। जब हम लोग इसको रन करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने ये सारी की सारी जो चीज़ें लिखी हैं वो ठीक भी हैं या गलत हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को, अब अगला जो पोर्शन आएगा उसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये हमारा जो कोड है वो किस तरह से रन कर रहा है और आया वो ठीक है भी या नहीं। फिर थर्ड जो हमारा जो प्रोसीजर होगा वो हम लोग इंशाल्लाह ताला डाउनलोड करेंगे अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम को। मैं आप लोगों को वो तरीकाकार बताऊंगा सी प्लस प्लस को हम लोगों ने किस तरह से इंस्टॉल करना है, वो मैं आप लोगों को वन बाई वन तरीकाकार इसका समझा दूंगा। इसके बाद यह है कि ये जो असाइनमेंट है ये आप लोगों को vuml.blogspot.com से आप लोगों को मिल जाएगी। यही असाइनमेंट आप लोगों ने कॉपी करनी है और सबमिट करवा देनी है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने थोड़ी बहुत चेंज कर लेनी है। जैसे कि सी आउट जब हम लोग लिख रहे थे
तो जहाँ पे मतलब जो नाम जो मैंने इस्तेमाल किए हैं वो बेशक आप लोग नाम ना इस्तेमाल करें या उस तरह से आप लोग चीज़ों को ना इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इंटर क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा लिखा है, जो चीज़ें मेरी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं उनके अंदर आप लोग तब्दीली कर लें। इस तरह आप लोगों ने इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं, वेरिएबल्स के नाम कुछ और रख लें या कुछ भी, लेकिन वेरिएबल्स के नाम तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल्स के नाम तो हमें बताए गए हैं। ठीक है, चलें उसको छोड़ दें, लेकिन जो चीज़ें आप प्रिंट स्क्रीन करवा रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर जो आप प्रिंट करवा रहे हैं उनके अंदर आप लोग थोड़ी बहुत चेंज कर लें। जैसे मैंने इंटर क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा लिखा है तो आप लोग इंटर क्वांटिटी लिख लें, ठीक है, या इंटर वैल्यू ऑफ पिज़्ज़ा लिख लें, इंटर वैल्यू ऑफ बर्गर, या इस तरह के मतलब आप चीज़ें लिख लें। तो इस तरह से आपकी जो असाइनमेंट है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग चेंजेस नहीं भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप असाइनमेंट को उठाएं और उसको सीधा कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप लोग उसी असाइनमेंट को सबमिट करवा दें। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी कोई मुश्किलात पेश आ रही हो तो आप मुझसे इस असाइनमेंट के रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपके जहन के अंदर आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल कर दें visu.ahmed2003@gmail.com। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने प्रोग्राम के सेकंड पार्ट के ऊपर, जहाँ पर हम लोगों ने अपने कोड को चेक करना है कि हमारा कोड जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं C++ के उस हिस्से के ऊपर जो कि जिसके अंदर हम लोगों ने कोड को पहले रन करवाना है। रन करवाने के बाद हम लोगों ने इसको चेक करना है कि आया हमारा जो कोड है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रन करवा के चेक कर लेते हैं। रन करवा के हम लोगों ने चेक किया है तो हमें पता चला है कि एरर भी कोई नहीं है और वार्निंग भी कोई नहीं है, मतलब हमारा जो कोड है वो रन ठीक कर रहा है। लेकिन आया जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं क्या उस तरह से ये कोड जो है वो रन कर रहा है? तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि F11 प्रेस कर दें या आप लोग इस ये जहाँ पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लें। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास जो कोड है वो रन करना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि कोड जो है वो रन कर रहा है। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो पिज़्ज़ा की जो है मैंने ऑर्डर्स को शो करवाया है जो मेरे पास थे, पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच, उनकी प्राइसेस को भी मैंने शो करवा दिया है। अब लिखा हुआ एंटर द क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा, हमें कितने पिज़्ज़ा चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं कस्टमर हूँ तो अब ये मेरे सामने कैलकुलेटर खुलकर आ चुका है। तो मैंने 5 पिज़्ज़ा को ऑर्डर किया है, इस तरह मैंने 2 बर्गर्स जो हैं उनको ऑर्डर किया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सैंडविच की जानेब, तो मैंने अब जो सैंडविच की क्वांटिटी है वो मैंने लिखनी है, तो मैंने 5 जो सैंडविच हैं वो भी ऑर्डर किए हैं। और उसके बाद जो पराठा रोल है वो मैंने 3 जो हैं वो पराठा रोल जो हैं मैंने उनको इंटर किया है। तो अब इसको मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास सामने आ जाएगा कि ये जो प्राइस है वो कितनी है। प्राइस है 6845। इसके बाद जो उसके अंदर गवर्नमेंट सेल्स टैक्सेस हैं वो कितना है, 1300 रुपया जो है वो गवर्नमेंट सेल्स टैक्सेस जो है वो उसके अंदर मुझे पड़ रहे हैं। और मुझे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना है, वो है 407.277। अब आप लोग देख सकते हैं कि डिस्काउंट जो है वो अगर 1000 से ऊपर जाएगा तो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली ये सामने डालना स्टार्ट कर देगा। और जो टोटल है वो टोटल है 77, जो मुझे मतलब जो पे करना है इस डिस्काउंट के बाद वो है 7738.27। ये जो रकम है ये मुझे पेड करनी है। तो दोस्तों ये है हमारा, ये थी हमारी असाइनमेंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को असाइनमेंट की समझ आ चुकी होगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने असाइनमेंट के थर्ड पार्ट की जाने। थर्ड पार्ट के अंदर अब मैं आप लोगों को ये जो प्रोग्राम है इसको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो असाइनमेंट का जो थर्ड पार्ट है वो इंशाल्लाह मैं सुबह बनाऊंगा, मतलब ये है कि मैं थोड़ा देर से बनाऊंगा, और उसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को C++ जो प्रोग्राम है वो इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ जाएगा, इंशाल्लाह ताला सुबह के टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहीं से वाइट की फाइल डाउनलोड करें मेरे ब्लॉग के ऊपर से और उसको एज इट इज़ बेशक जमा करवा दें, नहीं तो थोड़े बहुत जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर आप करवा के आप लोग उसको जमा करवा दें।